ये कोई इतने मज़े की चॉकलेट है ना कि पूछे मत। अस्सलाम वालेकुम खवातीन वहादरात, मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। लाइक ठीक आ रही है या नहीं, मेरे मुंह पे लग रही है मेरे ख्याल में। चल तो आज कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं होगी और ना ही कोई ज़्यादा लंबी वीडियो होगी। आज हम बात करेंगे व्यूज़ के बारे में, वही व्यूज़ जो आपको सोशल मीडिया पे मिलते हैं अगर आपको कंटेंट क्रिएटर हैं तो। नहीं है तो भी आपने देखा होगा अक्सर कि किसी किसी वीडियोस पे बहुत कम व्यूज़ आ रहे होते हैं। तो कम व्यूज़ का आना, इसमें बहुत सी वजूहात होती हैं। आप एक नए क्रिएटर हैं तो तब भी आपके व्यूज़ कम आ सकते हैं, या अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया बनाते हुए तब भी अगर व्यूज़ कम आ रहे तो इसमें भी बहुत सी वजूहात हैं। जो भी कोई नया क्रिएटर होता है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप देखें, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, जो भी, जिसकी बात भी आप करें, जो भी नया क्रिएटर होगा, कभी भी उसके व्यूज़ पहले ही मतलब ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, यही 10, 20, 30, 40, 50 आ सकते हैं। इसमें बहुत सी वजूहात हैं। एक तो वो नया होता है और उसका कॉन्टेंट चाहे जितना ही अच्छा मर्जी क्यों ना हो, शुरू में उसके कभी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ सकते। इतने आएंगे जितने वो लोगों को दिखाएगा कि जी ये मेरा कंटेंट है आप देखें, उतने ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन वो मतलब हज़ारों में या जिस तरह और बाकी लोगों के होते हैं उस तरह नहीं आ सकते, चाहे कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन हो। ये इसका एक रूल होता है, ये ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो एल्गोरिथम है उसका मसला होता है। और नए क्रिएटर्स को मतलब इतना प्रमोट नहीं किया जाता जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन हो, तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। तो मैंने पाकिस्तानियों, अपने घबराना नहीं है, क्योंकि इस बारे में जो एक्सपर्ट्स हैं या जो इन फील्ड्स के नेक्स्ट लेवल पे हैं, वो ये कहते हैं कि इन सोशल मीडिया मतलब प्लेटफॉर्म्स पे जो सबसे मज़े का वक्त होता है, या वो वक्त जो आप इंजॉय कर सकते हैं, जिसको हम समझते हैं कि यार क्या फ़ायदा ये वीडियो डाली है, इसके 10 व्यूज़ आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि सबसे मज़े का जो टाइम है वो यही वाला है जब आपके व्यूज़ नहीं आ रहे होते। क्योंकि जब आपकी कोई वीडियो वायरल या ट्रेंडिंग में चली गई तो उसके इतने व्यूज़ आते हैं, इतने आते हैं कि तो फिर आपको वो मज़ा नहीं रहेगा। मतलब पहले तो आप देखते रहते हैं, एक वीडियो अपलोड की उसके देखे 5 व्यूज़, 10 व्यूज़, 20, 40, 50, 100, जितने भी आपके आते हों। तो इस वजह से आपको खुश होना चाहिए अगर आप कितने व्यूज़ भी आते ना। मेरे भी अभी मैंने जो अपनी पहली वीडियोस डाली हैं उसमें और इस वीडियो में भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो वीडियो जब मैं शूट करता था, मतलब उसके मुझे कोई अगर 1-2 मिनट की वीडियो भी है तो मैं उसके 20 टेक्स लेता था, फिर जाके कहीं वो 1-2 मिनट की काम की वीडियो बनती थी। लेकिन ये जो वीडियो है, अब आपका भाई इतना कोई एक्सपर्ट हो गया, इतना कोई, अब ये एक ही वीडियो में हम सारी बातें करेंगे और इसको एडिट करके। तो ज़्यादा कोई लंबी बात है नहीं आज करने के लिए, यही व्यूज़ के बारे में सोचा आपको बता दूँ। आप फिर परेशान हो रहे हैं कि इतने व्यूज़ कम क्यों आ रहे हैं, तो आएंगे आपके भी बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन जब ज़्यादा आएंगे तो तब आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। मज़ा ज़रूर आएगा क्योंकि लालच तो होती है कि ज़्यादा व्यूज़ आ जाए, लेकिन अभी का जो टाइम होता है जब आपके व्यूज़ नहीं आ रहे होते तो ये हमें तो लग रहा होता कि कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन सबसे मज़े का टाइम जिसको हम बाद में मिस करते हैं कि यार वो भी क्या दौर था जब हमारे व्यूज़ नहीं आते थे। तो फिर इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो आप भी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। तो हमारे इधर तो बहुत सर्दी हो गई है, माइनस में टेम्परेचर चला गया है, -1, -2, -3, -4, 2 भी अभी कम, बहुत कम आ रही है, मुझे तो सर्दी लग रही है इधर भी। तो आप चेक करें, हमारे इधर आजकल कोहरा ही कोहरा है, तो आप वो चेक करें। तो आज जुमा का दिन है, तो आप सबको जुमा मुबारक।
लेकिन क्या पता आप ये वीडियो कब देख रहे हो, कब अपलोड हो, तो इसलिए जुम्मा मुबारक। तो आज के लिए इतना ही आज के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं। हाँ।